आप देख रहे हैं वायरल टेस्ट, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर नजर आते हैं। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची है जो माइक पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो क्या वाकई ये वीडियो असली है या फिर प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोई साजिश? रंग बिरंगे फूलों से मंच सजा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर एक मासूम सी बच्ची को लेकर आते हैं। छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर माइक उसके आगे कर देते हैं और अब जरा गौर से सुनिएगा कि ये बच्ची माइक पर क्या बोल रही है। बोलो बेटा। राहुल पप्पू, राहुल गांधी पप्पू है। इस बच्ची ने ये क्या कह दिया? इस छोटी सी बच्ची के दिमाग में इस तरह का जहर किसने भर दिया? आइए फिर से इस वीडियो को देखते हैं। मोदी बच्ची की उंगली थामे माइक की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी पोडियम पर पहुंचकर बच्ची को गोद में उठाते हैं। अब बच्ची का मुंह माइक के पास है, लोगों की तालियों की आवाज गूंज रही है। मोदी माइक को बच्ची के मुंह से सटाते हुए कहते हैं, बोलो बेटा। बच्ची बोलना शुरू करती है, बच्ची के मुंह से ये आवाज सुनकर मोदी हक्का बक्का नहीं होते बल्कि बच्ची को थपकी देकर कहते हैं, शाबाश बेटा शाबाश। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर लोग इसे वायरल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री पद की गरिमा का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। इस वीडियो के साथ एक मैसेज भी है जिसमें लिखा है, पीएम पद की गरिमा इस तरह खत्म कर दी जाएगी, मोदी से यही उम्मीद थी। इस पोस्ट को हजारों लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। दिल्ली सरकार वायरल 2.1 नाम के पेज पर भी ये वीडियो शेयर किया गया है जिस पर 2200 से ज्यादा शेयर और करीब 1000 कमेंट मिले हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के विरोधी उन्हें पप्पू के नाम से बदनाम करते रहे हैं। इस बात को खुद राहुल गांधी भी स्वीकार करते हैं। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है, मैं कांग्रेस हूँ। लेकिन इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी खुद उस बच्ची को शाबाशी देते नजर आ रहे हैं जिसने राहुल गांधी को पप्पू कहा था। ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं लग रही थी। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी इस बच्ची को सिखा पढ़ा कर लाए थे? क्या वाकई इस बच्ची ने वही बोला था जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है? हमने इस वीडियो की वायरल पड़ताल की। हमारी पड़ताल में इस वीडियो का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। इस वीडियो को 18 सितंबर 2016 को बीजेपी ने अपने YouTube पेज पर पोस्ट किया था। ये वीडियो गुजरात के नवसारी का है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर तो महज 20 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया था लेकिन हमारे हाथ लगा 1 मिनट 16 सेकंड का लंबा हिस्सा। और अब सुनिए इस वीडियो में क्या कह रही है बच्ची और क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बोलो बेटा। बोलो। मैं गौरी पूजा और योगीराज शार्दुल की दिव्यांग बेटी। बच्ची अपना परिचय दे रही है, बता रही है कि वो दिव्यांग है। मोदी उसे कहते हैं कि रामायण सुनाओ। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कई। राजा के थे 4 बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मंत्रा नाम की दासी थी। देखा आपने, सुना आपने, ये बच्ची तो सीधे और सहज तरीके से रामायण की कहानी सुना रही थी लेकिन सोशल मीडिया के खुराफातियों ने एडिट करके इसे क्या से क्या बना दिया। पप्पू, राहुल गांधी पप्पू है। दरअसल मोदी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए दिव्यांगों को खास तौर से बुलाया गया था। ये बच्ची भी दिव्यांग है लेकिन पूरा आत्मविश्वास बटोर कर उसने मन से लोगों को कविता सुनाई। थे 4 बेटे, राम, लक्ष्मण,
भरत शत्रुघ्न मंत्रा नाम की दासी थी, बहुत चलक बहुत होशियार। भरत उनका प्यारा था, भरत उनका दुलारा था। राजा बोले, क्या चाहती हो रानी? लीजिए आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सोशल मीडिया पर जो इस वीडियो को वायरल करके प्रधानमंत्री को नीच बता रहे हैं, असल में वही नीच साबित हो गए। एक मासूम बच्ची के वीडियो को इस तरह से एडिट करके पेस्ट करना नीचता नहीं तो और क्या है। इसके साथ ही हमारे वायरल टेस्ट में मोदी और बच्ची का ये वीडियो फेक साबित हुआ और फेल हो गया। सोशल मीडिया पर एक लंबे चौड़े पुलिस वाले की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसे पंजाब पुलिस का जवान बताया जा रहा है। इसके बारे में आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इस जवान की लंबाई 7.5 फीट की है और इसका वजन है 190 किलो और इसके पांव में आते हैं 19 नंबर के जूते। तो चलिए, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बने इस लंबू पुलिस वाले से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये इंसान है या पहाड़? जरा देखिए तो इसकी तस्वीरें। सरदार जी इस लंबू जवान का कद नापने चले हैं, हाथ ऊंचा उठाए हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। बच्चे इनके साथ सेल्फी लेकर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे किसी मानव नहीं महामानव के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। एक तस्वीर में ये जवान बाइक पर बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हट्टा कट्टा इंसान बच्चों वाली बाइक पर बैठा हो। इन दिनों ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। इस लंबू पुलिस वाले की तस्वीरें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर खूब वायरल हो रही हैं। इसके बारे में जो दावा किया जा रहा है, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। वायरल खबर में दावा किया गया है कि इस जवान का नाम है जगदीप सिंह। जगदीप दुनिया का सबसे लंबा पुलिस वाला है। इनकी ऊंचाई 7 फीट 6 इंच है, वजन 190 किलो है। यही नहीं, जगदीप के जूते का साइज है 19 नंबर। जगदीप जहां भी जाते हैं लोग इन्हें देखते रह जाते हैं, एक सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट जरूर करते हैं। जगदीप सिंह की ये तस्वीरें जब हमारे पास आईं, तो हमने इन तस्वीरों और इससे जुड़ी वायरल खबर की पड़ताल की। हम आखिरकार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शख्स तक पहुंच ही गए। हमारी पड़ताल में पता चला कि जगदीप सिंह अमृतसर पंजाब आर्म्ड फोर्स में नौकरी कर रहे हैं। अटारी के गांव जठोल के रहने वाले जगदीप के घर में उनके माता पिता के अलावा उनकी पत्नी और एक बेटी है। जगदीप की माने तो उनका कद करीब 7.5 फीट है। जगदीप जब सड़क पर निकलते हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है, हर राहगीर की नजर जगदीप पर टिक जाती है, हर कोई उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लगता है। यही नहीं, किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो उनकी पत्नी को अकेले बैठना पड़ता है, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लगते हैं। एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ हाइट की वजह से। मीडिया वाले आते हैं या किसी भी कहीं पर भी जाता हूँ तो नॉर्मली लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, मतलब हर आदमी चाहता है कि फोटो खिंचवा ले। जगदीप की लंबाई जहाँ लोगों के लिए रोमांच का विषय बनती है तो वहीं जगदीप के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाती है। उनके कपड़े सिलने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। कपड़े तो किसी तरह तैयार हो जाते हैं लेकिन इनके पैर में 19 नंबर का जूता लगता है जो यहाँ तो मिलते नहीं। उन्हें विदेशों से अपने दोस्तों से 19 नंबर के जूते मंगवाने पड़ते हैं। यही नहीं, छोटी गाड़ी में वो बैठ नहीं सकते। घरों के आम दरवाजों से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, बाथरूम के दरवाजे में तो उलझ ही जाते हैं। जूता नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते रेडीमेड, और अगर ड्यूटी जाते हैं कहीं बाहर घर से दूर जाते हैं तो नॉर्मली आपको पता है कि जैसे भी होता है तो नीचे सोना पड़ता है अपना बिस्तर लगा के। मेरे घर पे दरवाजे भी स्पेशल है और बेड भी स्पेशल है, 8 फीट का दरवाजे, 8 फीट का मेरा बेड है। जगदीप की बीवी सुखबीर कौर को लंबू पति देव की वजह से कम मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि उनका पति सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहा है।
जब हम कभी जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं कहाँ भी जाते हैं जहाँ भी जाते एक मान सा महसूस होता है कि इनकी हाइप इतनी बड़ी है तो एक सेलिब्रिटी की तरह हमारे साथ हमें देखते हैं सभी लोग। हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि जगदीप सिंह बचपन से ही खूब खाते पीते थे। बचपन में वो दर्जन भर अंडे खा जाते थे। आज भी उनकी खुराक अच्छी खासी है। अपने लंबे कद की वजह से पंजाब आर्म्ड फोर्स में जगदीप सिंह की खूब कद्र होती है। इसके साथ ही वायरल टेस्ट में जगदीप सिंह के दावों वाली ये खबर पास हो गई। इंसान हो या जानवर, भावनाएं सबके अंदर होती हैं और जब बात ममता की हो तो फिर माँ की ममता के आगे दुनिया सलाम करती है। सोशल मीडिया पर एक मादा खरगोश का ममता भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस खरगोश के 8 बच्चे हैं, लेकिन अपने बच्चों की भूख और जान की फिक्र वो कैसे कर रही है आप भी देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये मादा खरगोश बड़ी सावधानी से इधर उधर देख रही है, जमीन पर सूंघ रही है और जमीन से मिट्टी हटाने में लग जाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये मादा खरगोश जमीन में क्या तलाश कर रही है, लेकिन उसकी हरकतें देखिए, वो जमीन खोद रही है और इधर उधर देख भी रही है। और ये देखिए, जमीन के भीतर से निकले हैं खरगोश के ये छोटे छोटे बच्चे। अपनी माँ को देखते ही वो उससे चिपट जाते हैं। इन बच्चों को ये मादा खरगोश दूध पिलाने लगती है। माँ बिल्कुल स्थिर है, लेकिन बच्चे उधम मचा रहे हैं। कोई नीचे से निकल रहा है तो कोई बगल से। मादा खरगोश बड़े इत्मीनान से अपने बच्चों को दूध पिला रही है। इस मादा खरगोश के एक दो बच्चे नहीं हैं, पूरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों की माँ है ये मादा खरगोश। अपने बच्चों को दूध पिलाने भर से ये निश्चिंत नहीं हो जाती। दूध पीने के बाद सभी बच्चे बिल में वापस चले जाते हैं। फिर ये माँ करती है अपने बच्चों की सुरक्षा। किसी भी जंगली जानवर की नजरों से बचाने के लिए ये वापस गड्ढे में मिट्टी भरना शुरू कर देती है। इसका ख्याल भी रखती है कि मिट्टी बिल में ना जाए। गड्ढे को मिट्टी से भरकर वो पैर से थपकी भी देती है। जब पूरा इत्मीनान हो जाती है कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं, तब वो वहां से अपने अगले पड़ाव की तरफ निकल जाती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत दिनों से वायरल हो रहा है। ममता भरा ये वीडियो तो यही संदेश देता है कि इंसान हो या जानवर, माँ तो बस माँ होती है। अब देख रहे हैं वायरल टेस्ट। अब बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान में युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंक की राह पर डालने की खबरें तो आपने खूब देखी और सुनी होंगी। पाकिस्तान में बच्चों के दिमाग में भी जहर घोला जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तानी बच्चों के बीच इन दिनों एक गेम बहुत लोकप्रिय हो रहा है। ये गेम है फांसी देने वाला गेम। क्या है ये खेल, क्यों पाकिस्तानी बच्चे इसे खेल रहे हैं, किसे फांसी पर लटका रहे हैं ये बच्चे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में फांसी बच्चों का खेल है। पाकिस्तानी बच्चों के दिमाग में खून खराबा भरा है। पाकिस्तान के बच्चे मार काट की बातें करते हैं। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा फांसी की बात करता है। पाकिस्तान के बच्चे फांसी लगाने का खेल खेलते हैं। जी, ये तमाम बातें सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, सच यही है। शायद ये पाकिस्तान में अपनी जड़ें फैला चुके आतंकवाद और कट्टरता का ही नतीजा है कि अब बच्चे खेल भी फांसी लगाने वाला खेलते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे फांसी लगाने का खेल खेल रहे हैं। आखिर क्या है इस वीडियो का सच, उसे जानने से पहले आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। लगे, 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 लगे,
22 से 23 सेकंड का ये वीडियो है। कोई गली कुचे जैसी जगह है। पहली नजर में लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल है, क्योंकि बच्चों की उम्र भी 5 से 7 साल के बीच में। इनके हाथ में एक गुड़िया है। ये एक नारा लगाते हुए गुड़िया को थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे साफ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन नारा लगा रहे हैं। आपको एक बच्चे की साइकिल भी दिखाई देगी, जिसमें अगले पहिए पर एक डंडा बंधा हुआ है। डंडे में एक रस्सी लटकी हुई है और फांसी का फंदा बना हुआ है। ये बच्चे गुड़िया के गले में फांसी का फंदा डालते हैं। एक बच्चा कहता है आसिया को इधर कर, दूसरा कहता है आसिया को इधर कर। इसके बाद ये बच्चे गुड़िया को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं और चिल्लाने लगते हैं लग गई फांसी। क्यों ये बच्चे इस गुड़िया को फांसी लगा रहे हैं? ये बच्चे आसिया आसिया क्यों बोल रहे हैं? क्या ये वाकई खेल है या फिर कोई खौफनाक सच? हमने भी इस वीडियो की सच्चाई जाननी चाहिए और ये भी जानना चाहा कि ये आसिया बीबी कौन है, तो हमने इसका वायरल टेस्ट किया। ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंक अपनी जड़ें फैला चुका है। हाफिज सईद से लेकर मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंक के आकाओं के बल पर पाकिस्तान आतंक की पौध तैयार कर रहा है। इस्लाम के नाम पर लोगों को ये लोग बरगलाते हैं, उनके अंदर नफरत का जहर भरते हैं। लेकिन ये बच्चे गुड़िया को फांसी पर लटकाने का खेल क्यों खेल रहे हैं और इन्होंने गुड़िया का नाम आसिया बीबी क्यों रखा है? तो सुनिए। आसिया पाकिस्तान की रहने वाली है। तकरीबन 8 साल पहले की बात है, वो फाल से चुन रही थी। तपती धूप थी, आसिया को प्यास लगी। पासी में एक कुआं था, आसिया पानी पीने वहां पहुंची। वहां पहले से ही एक बर्तन रखा था पानी पीने वाला, आसिया ने उसमें पानी पी लिया। उन्हें पानी पीते वहां मौजूद कुछ औरतों ने देखा। उनमें और आसिया में बहस हुई। वो औरतें थी मुसलमान और आसिया ईसाई। मुसलमान औरतें कह रही थी कि आसिया ने उस बर्तन में पानी पीकर उसे अपवित्र कर दिया है। ये बहस यहां से शुरू होकर पैगंबर और ईसा मसीह पर पहुंची। फिर हुआ ये कि आसिया ने शायद रौ में बहकर पैगंबर की तुलना ईसा से कर दी। औरतों ने कहा कि तुमने पैगंबर का अपमान किया है, यानी ईश निंदा की है। कुएं से शुरू हुई वो लड़ाई फिर थाने पहुंची, वहां से कचहरी गई। निचली अदालत ने आसिया को सजाए मौत सुनाई। मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आसिया बीबी को बरी कर दिया गया। इससे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे पाकिस्तान में आसिया की रिहाई का विरोध होने लगा। आसिया बीबी का वकील इतना डर गया कि पाकिस्तान ही छोड़कर भाग गया। और इसी माहौल ने बच्चों के दिलों में आसिया बीबी के लिए नफरत पैदा कर दी, और ये वीडियो उसी का नतीजा। आज की तारीख में बच्चे गुड़िया को आसिया बीबी बताकर फांसी पर लटका रहे। तो इस तरह ये वीडियो वायरल टेस्ट में पास हुआ। अनिल कुमार, नोएडा, आज तक। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को भला कौन नहीं जानता। शहर और गांव को स्वच्छ रखने के लिए केंद्र सरकार घर घर में शौचालयों का निर्माण करवा रही है। इस विषय पर टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म भी आ चुकी है, लेकिन बिहार के सुपौल में तो टॉयलेट एक गदर कथा बन गई। जी हाँ, यहाँ के एक बुजुर्ग से सुबह सुबह टॉयलेट को लेकर उलझ गए अफसर। फिर क्या हुआ देखते हैं।
क्या अधिकारी स्वच्छता अभियान में पलीता लगा रहे हैं? शौचालय के नाम से क्यों भड़क रहे हैं अधिकारी? क्या अधिकारियों की बदतमीजी से स्वच्छ होगा भारत? मेरे माँ बाप को बोलता है। तो आइए देखते हैं टॉयलेट एक गदर कथा। प्रधानमंत्री मोदी भारत को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। स्वच्छता और शौचालय के लिए मोदी बार बार लोगों को जागरूक करते हैं। अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित कर चुके हैं। लेकिन बिहार के सुपौल में टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं बल्कि टॉयलेट एक गदर कथा बन गई। झोले में लगा मेरे को। जी, स्वच्छता अभियान की आड़ में एक अधिकारी गाली गलौज करता है, उठक बैठक करवाता है, मारपीट और थाने में डालने की धमकी भी देता है, वो भी एक बुजुर्ग और एक नाबालिग बच्चे को। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अधिकारी और उसके साथ कुछ पुलिस वाले हैं। अधिकारी सुबह सुबह राउंड पर निकलता है और एक बुजुर्ग को खेत से आते हुए देख लेता है, उसका लोटा भी जब्त करवा लेता है। अधिकारी बुजुर्ग से पूछता है कि उसने शौचालय क्यों नहीं बनवाया। बुजुर्ग कहता है कि घर में काम चल रहा है, 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन आप पैसा तो दीजिए। इतना कहते ही अधिकारी बुजुर्ग पर लाल पीला हो जाता है, फिर तो गाली गलौज से लेकर थप्पड़ जड़ने का आदेश भी सुना दिया जाता है। और अफसर के साथ आए पुलिस वाले उठक बैठक करवाते हैं और बच्चे को थप्पड़ रसीद करते हैं। वो इसका वीडियो बना लेता है और वायरल कर देता है। अब हम जानना चाहते थे कि क्या वाकई ऐसा हुआ, इसलिए हमने इसका वायरल टेस्ट किया और वीडियो की पड़ताल करने के लिए सीधा सुपौल का रुख किया। छानबीन में पता चला कि ये वीडियो सुपौल के बसखोरा गांव का है और जो अधिकारी स्वच्छता के नाम पर बदतमीजी कर रहा है वो अधिकारी DCLR अखिलेश प्रसाद वर्मा है। ये वीडियो 1 नवंबर का है। DCLR साहब गांव में राउंड पर थे और गांव वालों के हाथ में लोटा देखते ही भड़क गए। भड़के तो भड़के, बदतमीजी और पिटाई पर उतर आए। हमारे तैयारी नहीं भेल हन आ से अफसर एलखिन हमरा गाड़ पढ़लक, कान पकड़ के उठाब बैठौलक आ कह जे तू कहे न बनाया है, तू कहे न बनाया है। कहलिए सर बन रहा है, मिस्त्री दूठो था तो बन रहा है, चलिए देख लीजिए। कहे हमको गाली देते हैं, आप अफसर है कहे आपको गाली देते हैं, हमरा लेटरिन बन रहा है आ हमको गाली दिया मारा उठाया बैठाया बना रहा। जी सर, बुजुर्ग बोकी यादव बार बार कहते हैं कि उनके घर शौचालय बन रहा है, आप जाकर देख लीजिए, लेकिन अधिकारी को शौचालय का मुआयना करना मंजूर नहीं था। हम आपको बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शौचालय आधे से ज्यादा बन जाने की पुष्टि कर रहे हैं। सर हम सब तो काम करते थे बेरा बेरी, करते कल वो करी थी, एक बुजुर्ग आदमी के बेटी खेल के ठीक बात नहीं ना बेला, कान पकड़ के उठल के बैठल के गाली से दिल के गाली ओकरा नहीं पकड़ के चाहिए, गाली नहीं बकवाक चाहिए, काम तो करते थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अफसरों की ऐसी बदतमीजी से भारत स्वच्छ होगा? अगर DCLR अखिलेश प्रसाद वर्मा को बुजुर्ग पर यकीन नहीं था तो उसके घर जाकर मुआयना क्यों नहीं किया? इस तरह से ये खबर वायरल टेस्ट में पास हुई। सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ अनिल कुमार, नोएडा आज तक। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जब मन में किसी बात की लगन हो
तो कोशिश जरूर रंग लाती है। ये कहावत इन दिनों सोशल मीडिया पर मादा भालू और उसके बच्चों पर खूब फब रही है। इस वायरल वीडियो को 125 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसमें बर्फीले पहाड़ से एक भालू का बच्चा गिर जाता है, फिर वो कैसे अपनी माँ तक पहुंचता है, आइए देखते हैं बेबी बेयर का इमोशनल वीडियो। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जीत उसी की होती है जिसमें हिम्मत होती। वैसे तो ये कहावत इंसानों के लिए बोली जाती है, लेकिन इसे साक्षात देखना है तो इस वायरल वीडियो को देखिए। जी हाँ, इस छोटे से भालू के बच्चे से आप सीख सकते हैं कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो को 125 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और तो और इस वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक भालू का बच्चा अपनी माँ से छूटकर बर्फ के पहाड़ के नीचे फिसल जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे पता है कि माँ तक पहुँचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है और आखिर में कोशिश करते करते वो अपनी माँ तक पहुँच जाता है। इस कोशिश में सबसे दिलचस्प और भावुक लम्हा वो होता है जब ये भालू का बच्चा अपनी माँ से महज एक हाथ की दूरी पर रह जाता है, लेकिन फिर से फिसलकर बहुत नीचे चला जाता है। इस भालू के बच्चे से ज्यादा प्रेरणा शायद ही कोई दे सकता है। इस वीडियो को पहली बार 3 नवंबर को पोस्ट किया गया था। ट्वीट करने वाली थी कनाडा की मशहूर पत्रकार जिया टोंग। इसके बाद तो इस वीडियो को लाखों लोगों ने आगे बढ़ाया। उसी कड़ी में हम भी हैं। इतने प्रेरणादायक वीडियो को भला हम कैसे आगे बढ़ने से रोक सकते थे। काफी कोशिशों के बाद जब ये भालू का बच्चा अपनी माँ तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो आगे आगे भागती है और बच्चा झूमता हुआ उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। आज तक भी और वायरल टेस्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।